नहीं स्टार्ट यस गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे सीए इंटर लॉ का फर्स्ट सेशन से, जिसमें पहले हम आज के दिन क्या देखेंगे कि लॉ बनता कैसे है, पहले तो इंटर का सिलेबस कितना है, क्या है, कैसे सीए इंटर को डिवाइड किया है अलग अलग सेक्शंस में, और क्या फाइनल से कैसे सिलेबस चेंज हुआ है एंड क्या क्या चीज़ें न्यू ऐड हुई है और लेस हुआ है और किसका क्या वेटेज है। एंड देन हम क्या देखेंगे कि लॉ क्या होता है, लॉ कैसे बनता है, लॉ कब आया और लॉ को बनाने में कितनी मेहनत लगती है और लॉ में क्या क्या इंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो पहला सबसे पहला सिलेबस सी ए इंटरमीडिएट का सबसे पेपर टू इज आपका कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस। सो सब्जेक्ट के नाम में ही है कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस। सो कॉर्पोरेट लॉ मतलब जो कॉर्पोरेट कंपनीज एक्ट है वो सब, एंड अदर लॉज में आपके बाकी के लॉस आ जाते हैं। सो कॉर्पोरेट लॉ इंक्लूड्स कंपनीज एक्ट 2013, जिसमें आपके सेक्शन से सेक्शन 1 से लेके 48 एंड 379 टू 393। सो करीब 250 सेक्शंस आपको कंपनीज एक्ट में पढ़ने हैं। दूसरा सेक्शन डिवाइड हुआ है एलएलपी एक्ट में। एलएलपी एक्ट जैसा का तैसा सीए फाउंडेशन से उठा के आपको सीए इंटर में लाया गया है। एंड अदर लॉज में तीन लॉ है, फेमा एक्ट 1999 विच इज़ फ्रॉम योर फाइनल सब्जेक्ट विच इज़ फ्रॉम योर फाइनल का सिलेबस, एंड जनरल क्लॉज एक्ट 1897 एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेट्यूट्स। ये दो लॉ वो लॉ है जिसको हम समझने के लिए सपोज अगर कल को लॉ चेंज हो जाता है, जैसे कि आज अगर मैंने वैट पढ़ा होगा, सर्विस टैक्स पढ़ा होगा, बट आज जब मैं सीए बन के बैठी हूँ तब मैं क्या पढ़ रही हूँ, जीएसटी पढ़ रही हूँ। जीएसटी आ रहा है तो मैं प्रैक्टिस भी जीएसटी में कर रही हूँ, तो अभी मेरे पास उतना टाइम नहीं कि मैं जाके जीएसटी की क्लासेस लगाऊँ या जीएसटी पढ़ूँ। तो अगर मैंने ये दो चैप्टर्स पढ़े हैं तो मैं वो न्यू लॉ को भी क्या कर सकती हूँ, इंटरप्रिट कर सकती हूँ। मैं वो न्यू लॉ को भी क्या कर सकती हूँ, समझ सकती हूँ कि क्या लिखने की कोशिश की, क्या लिखा है और क्या बोलने की कोशिश कर रहा है बोलो, एंड देन उस हिसाब से मैं वर्क कर सकती हूँ उस चीज़ पे। एंड फेमा एक्ट इज ऑल रिलेटेड टू योर फॉरेन ट्रांजेक्शन्स, कि फॉरेन में कैसे क्या ट्रांजेक्शन होते हैं, तो क्या लॉ लगता है, कैसे कितना लीगल है कितना इलीगल है। एलएलपी एक्ट लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट जो इंटर फाउंडेशन का इंटर में लाया गया है, विच इज़ अ बोनस मार्क्स फॉर यू गाइस। एंड कॉर्पोरेट लॉ कंपनीज एक्ट एज इट इज ही, कंपनीज एक्ट 2013 है, नॉट 1956, 2013। सो दिस इज तुम्हारा पूरा पोर्शन लॉ का, क्लियर? यस। अब लॉ आया क्यों, या लॉ इंक्लूड क्यों होता, लॉ में क्या क्या चीजें आती है। तो लॉ में सबसे पहले आते हैं एक्ट, आपके रूल्स और आपके केस लॉस। अभी एक्ट क्या है, एक्ट वो चीज है जो एलएलपी एक्ट बोलो, पार्टनरशिप एक्ट बनो, जो सबसे पहले बनती है, जो हर चीज़ सबसे पहली बात। तो लॉ आता क्यों है, अगर तुम कुछ चीज़ का गलत कर रहे हो तो ही उस चीज़ पे लॉ आती है। अगर मैं बोल रही हूँ मेरे क्लास में बच्चे लेट आ रहे हैं, तभी मैं उस चीज़ पे लॉ लगाऊंगी कि यार कल से अगर तुम लोग ये टाइम तक नहीं आए तो मैं गेट बंद कर दूंगी, या मैं आने नहीं दूंगी, या मैं परमिशन नहीं दूंगी। तो लॉ बनता ही तब है अगर कुछ चीज़ें गलत हो रही है तो। जब तक चीज़ें सही चल रही है उसके लिए लॉ की ज़रूरत ही नहीं, तब तक रेगुलेशंस की ज़रूरत ही नहीं है। तो लॉ उस चीज़ के वजह से आता है। अब लॉ अगर कुछ गलत हो रहा है, हम देख रहे हैं कुछ तो गलत हो रहा है, अभी हमें क्या लाना पड़ेगा, उस पर रेगुलेशन लाना पड़ेगा। रेगुलेशन लाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक्ट बनाना पड़ेगा। वो चीज़ का क्या बनाना पड़ेगा, एक्ट बनाना पड़ेगा। और एक्ट सिर्फ अकेला एक्ट नहीं बनता है, एक्ट के साथ रूल्स आते हैं, रूल्स के साथ केस लॉस आते हैं, तो ये पूरा जब एक साथ कॉम्बिनेशन होता है तो क्या बनता है, लॉ बनता है। तो एक्ट कैसे आता है, एक्ट ऐसे एक दिन में या दो दिन में नहीं आता है, एक्ट को बनने के लिए बहुत टाइम लगता है। और वो एक्ट कैसे बनता है वो हम प्रोसेस थोड़ी देर में देखते हैं, बट एक्ट के साथ रूल्स आते हैं, रूल्स के साथ केस लॉस आते हैं। और एक्ट में इंक्लूड भी क्या होता है, एक्ट में अगेन क्या क्या इंक्लूड होता है, सेक्शन होते हैं, आपके सब सेक्शन होते हैं और आपके सब क्लॉज क्लॉजेस, सेक्शन सब सेक्शन क्लॉजेस एंड सब क्लॉजेस। ठीक है, अब मैं पीपीटी चेंज करती हूँ। लॉ बनता कैसे, कोई भी एक लॉ बनता कैसे, पहले तो ड्राफ्ट बनता है, कोई भी चीज़ का क्या बनती है, एक रफ कॉपी बनती है, उसके पहले वो लॉ फाइनल
तब नहीं होता है. पेपर भी लिखने जाता है तो पहले हम रफ प्रैक्टिस करते हैं, घर पे प्रैक्टिस करते हैं, तभी हम फाइनल पेपर लिखते हैं. करेक्ट. तो हर चीज का क्या बनता है, लॉ का भी रफ बनता है, दैट इज ड्राफ्ट बनता है. ड्राफ्ट के बाद क्या होता है, कोई भी चीज़ क्या होती है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में जाती है. अगर लीगली कुछ चेंज करना है या लीगली कुछ लाना है तो उस चीज़ के लिए क्या है, मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स. जैसे हर एक चीज़ के डिपार्टमेंट्स है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड एनवायरमेंट, ये सब चीज़ें. तो अगर रेलवे से रिलेटेड कल को कुछ चेंजेस लानी है, कल को कुछ नया लाना है, तो हम क्या करेंगे, वो पर्टिकुलर मिनिस्ट्री के पास जाएंगे या वो पर्टिकुलर मिनिस्ट्री लॉ बनाएगा वो चीज़ को लेके. वैसे ही लीगली कुछ लाना है लॉ को रिलेटेड, मतलब कॉर्पोरेट कंपनीज से रिलेटेड कुछ लाना है, तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, दैट इज ऑल्सो नोन एज MCA. तो हम क्या जाएंगे, ड्राफ्ट बना के हम किसको भेजेंगे, MCA को भेजेंगे. MCA क्या करेगा, चेक करेगा कि सब बराबर है, कुछ चेंजेस लाने हैं, क्यों लॉ ला रहे हैं, ये सच में नीड है क्या, ये सब चीज़ें. एंड वो ड्राफ्ट को क्या करेगा, थोड़ा सा चेंज करेगा. अगर उसमें कुछ सपोज कुछ सेक्शन ऐड करना है, लेस करना है, किसी का ज़रूरत नहीं है, तो वो सब प्लस माइनस करेगा. उसके पास वो MCA के बाद MCA से फाइनल हो गया तो कहा जाएगा पार्लियामेंट में जाएगा. अब जब वो पार्लियामेंट में जाएगा, पार्लियामेंट में तो दो लोग ऑलरेडी बैठे, एक बैठे हैं लोकसभा, एक बैठा है राज्यसभा. राज्यसभा मीन्स रूलिंग पार्टी आपका, और लोकसभा मतलब अपोजिशन पार्टी. अभी अपोजिशन पार्टी ही बैठी है अपोज करने के लिए, अपोजिशन पार्टी ही बैठी अपोज करने के लिए. तो अगर सपोज वो MCA ने हेड्स अप भी दे दिया उसको कि हाँ चल भाई ये लॉ चल जाएगा, ये एक्ट बन सकता है, तो भी वो जब तक वो पार्लियामेंट में जाएगा ना, उसमें बहुत सारे चेंजेस होंगे. क्योंकि क्या करेगी, अगर रूलिंग पार्टी है, रूलिंग पार्टी को तो चाहिए वो लॉ आए, वो एक्ट बने. क्योंकि अगर रूलिंग पार्टी के एरा में वो एक्ट आ गया तो ऑब्वियसली उनकी वाहवाही हो जाएगी. पॉलिटिक्स से सोचोगे तो वो अच्छी बात है रूलिंग पार्टी के लिए, बट अपोजिशन पार्टी वो चीज़ लाने देगा क्या, नहीं. क्योंकि अपोजिशन के फेवर में वो चीज़ नहीं होगी, अपोजिशन बैठी है अपोज करने के, तो वो उसमें हर चेंजेस बोलेगी, हर चीज़ में ये करेगी, वो करेगी, ये सब करेगी. तो ये फिर वो क्या करेगा, अगर अपोजिशन ने कुछ चेंजेस बोल दिए तो वो फिर ऊपर चला जाएगा हेड ऑफ MCA में, या वो फिर चला जाएगा ड्राफ्ट में, फिर उसको ड्राफ्ट में फिर से चेंजेस करेंगे, फिर वो क्या करेंगे, फिर MCA के पास आ जाएगा, फिर वो पार्लियामेंट में आएगा, फिर पार्लियामेंट में अगेन ये प्रोसेस होगा, फिर इसमें कुछ तो चेंजेस बोलेंगे, फिर वो घूमता बैठा घूमता. इसलिए लॉ बनना इंडिया में, एटलीस्ट इंडिया में, इतना ईजी नहीं है, बहुत टाइम लगता है एक लॉ बनने के लिए. लोकसभा राज्यसभा में जाएगी, अगर ये दोनों अग्री कर लेते हैं, चलो बाई चांस अग्री कर लिया, बहुत सालों के बाद फाइनली अग्री कर दिया वो चीज़ को, तो क्या करेंगे, हम उसको प्रेसिडेंट के पास लेके जाएंगे. प्रेसिडेंट ने हाँ कर दी तो वो क्या बन जाएगा, उस पर थप्पा लगा दिया तो वो क्या बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा. और ये एक्ट कहाँ पे पब्लिश होता है पता है, ऑफिशियल ऑफिशियल गेजेट ऑफ इंडिया में ये पब्लिश होता है. क्योंकि गवर्नमेंट के पास इतना टाइम नहीं, वो हर एक इंसान को या हर एक पब्लिक को, हर एक सिटीजन को जाके दे भाई ये लेना है लॉ बनाया, ये लेना है लॉ बनाया, बहुत टाइम हो जाएगा. तो क्या वो करते हैं, ये साइट पे पब्लिश कर देते. ये साइट देखनी है, दिखा दी ये साइट. ऑफिशियल गेजेट ऑफ इंडिया की साइट. ये साइट पे सब कुछ आता है. देखो मिनिस्ट्री ऑफ कितने सारे मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पावर है, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जितने भी कुछ हो गए वो मिनिस्ट्री ऑफ पावर में जाएगा. मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है, आयुष क्या है, कुछ तो रहेगा उनका, आयुर्वेदिक रिलेटेड होगा. मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक ग्रीवेंसेज, इतने सारे मिनिस्ट्रीज है इसमें. मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसमें मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर. मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, जो भी इनकम टैक्स और DD IDT रिलेटेड कुछ भी चेंजेस आते हैं तो वो, जैसे GST एक्ट आया, GST एक्ट किसने ये क्या रहेगा, अप्रूवल दिया होगा, MCA ने नहीं दिया होगा, वो किसने दिया होगा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में दिख गया होगा वो. वैसा वैसे ही MCA तो कल को कुछ भी न्यू किधर भी आता है तो वो यहाँ पे ऑफिशियल गेजेट ऑफ इंडिया में क्या हो जाता है, ये साइट पे पब्लिश हो जाता है. यहाँ से आपको समझ जाता है.
क्लियर। तो ये प्रोसेस है लॉ मेकिंग का, पहले ड्राफ्ट बनता है, उसके बाद वो हेड के पास जाता है, मिनिस्ट्री हेड के पास जाता है, उसके बाद वो पार्लियामेंट में जाता है। पार्लियामेंट में दो दो सीट्स है, लोकसभा राज्य दो सभा है, लोकसभा एंड राज्यसभा। वहाँ पे से अगर वो अप्रूव हो जाता है तो वो प्रेसिडेंट के पास जाता है, एंड देन प्रेसिडेंट अगर उसको थप्पा मार देती है या मार देता है प्रेसिडेंट, देन उसके पास वो क्या होता है, ऑफिशियल गेजेट में रिलीज होता है, एंड देन इट कैन बी ऑफिशियली कॉल्ड एज एक्ट एंड इट विल बी अप्लीकेबल टू इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। अभी हम बोल रहे हैं हम कंपनीज एक्ट 2013 पढ़ रहे हैं, पढ़ने वाले हैं सी ए इंटर लॉ में, बट इसके पहले डू यू गाइज नो कि कंपनीज एक्ट 1956 था, कंपनीज एक्ट 1956 था ऑब्वियसली, बट कंपनीज एक्ट 1956 से कंपनीज एक्ट 2013 क्यों बना, कुछ तो ऐसा चीज़ हुआ रहेगा। जैसे मैंने बोला लॉ तभी बनता है अगर कुछ गलत काम हो रहा है, तो तभी लॉ में चेंजेस आते हैं, वरना कोई इतना फ्री नहीं है कि बैठे बैठे लॉ बनाए, बस कुछ होने वाला है इस चीज़ को पकड़ के हम लॉ नहीं बना सकते। तो इस चीज़ पे कंपनीज एक्ट 2013, पहले कंपनीज एक्ट 1956 था, बट कुछ तो चीज़ ऐसी हुई जहाँ पे गवर्नमेंट को नीड लगा कि कंपनीज एक्ट 2013 आना चाहिए। तो वो क्या चीज़ हुई जिसके वजह से गवर्नमेंट को लगा, वो वीडियो हम अभी देखते थे। इसमें आवाज़ आएगा? मैंने पहले सुना है इसलिए मुझे थोड़ा थोड़ा पता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा याद आ रहा था, बहुत माइंड में कंपनीज एक्ट 2013 आने का रीज़न ये था कि सत्यम केस फ्रॉड जो हुआ था वो
एक रीज़न था जिसके वजह से कंपनीज एक्ट 2013 आया, जिसके वजह से गवर्नमेंट को नीड लगी कि कंपनीज एक्ट 1956 को थोड़ा सा और स्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। कंपनीज एक्ट 1956 में थोड़े से ऐसे प्रोविजंस आने पड़ेंगे जहाँ पे कंपनीज या कंपनीज के ओनर्स डायरेक्टर्स थोड़ा सा डरे कोई भी फ्रॉड करने से पहले। इसलिए कंपनीज एक्ट 1956 को बहुत अच्छे से रेक्टिफाई किया गया, या तुम बोल सकते हो अपग्रेड किया गया, जो अब हम जिसे पढ़ते हैं वो है कंपनीज एक्ट 2013, जहाँ पे प्रोविजंस, जहाँ पे पनिशमेंट्स है थोड़ी सी स्ट्रिक्ट कर दी गई, और जहाँ पे कंपनीज एक्ट 1956 में कुछ प्रोविजंस ऐसे थे जहाँ पे इन्वेस्टर्स के लिए कुछ प्रोविजंस नहीं थे। इन्वेस्टर्स लीगली भी अगर कुछ करना चाहे तो वो कुछ नहीं कर पाते थे। तो ऐसे इसलिए कंपनीज एक्ट 2013 में कुछ ऐसे प्रोविजंस डाले गए जो इन्वेस्टर्स के लिए अच्छे हैं या इन्वेस्टर्स के बेनिफिट के लिए थे। इसलिए हम क्या लाए, कंपनीज एक्ट 2013 लाए। वो सत्यम का पूरा केस फ्रॉड हम जब कंपनीज एक्ट 2013 स्टार्ट करेंगे उससे पहले हम ये सत्यम का केस फ्रॉड पूरा देखेंगे एंड फिर हम स्टार्ट करेंगे। अब बेसिकली एक्ट और रूल्स में डिफरेंस क्या है, बेसिकली एक्ट और रूल्स में डिफरेंस क्या है। एक्ट बनते टाइम हमने जो प्रोसेस देखा वही प्रोसेस फॉलो होता है, बट रूल्स को बनते टाइम एक्ट के साथ ही रूल्स बनते हैं। एक्ट में तुमने कई बार ये पढ़ा होगा, जब तुम फाउंडेशन में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़े होगे, पार्टनरशिप एक्ट पढ़े होगे, उसमें कहीं ना कहीं लिखा होता है एज में भी प्रिस्क्राइब या एज इट इज या एज प्रिस्क्राइब इन द रूल्स। ये चीज़ क्या है कि भाई इसके लिए तुम कहाँ जाओ, रूल्स में जाओ, रूल्स में जाकर पढ़ो। बट रूल्स क्या है, रूल्स बहुत ज़्यादा लीगल लैंग्वेज में होता है और एक्ट भी लीगल लैंग्वेज में होता है। बेर एक्ट जो हम बोलते हैं, आज जब हम नोट्स पढ़ रहे हैं या मॉड्यूल पढ़ रहे हैं ICA की, वो बहुत ज़्यादा ईजी लैंग्वेज में कंपेरेटिवली, वो जो लीगल लैंग्वेज है वो नहीं। बेर एक्ट जब हम पढ़ते हैं ना तो आपको समझेगा भी नहीं कि क्या क्या लिखा है उसमें, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लैंग्वेज में होता है वो। तो उसको उसके साथ कई कई बेर एक्ट, जहाँ पे बेर एक्ट में हर चीज़ नहीं लिख सकते, तो उसके साथ हम क्या अटैच कर देते हैं, रूल्स अटैच कर देते हैं, ठीक है। एंड रूल्स के साथ क्या आता है, केस लॉस आता है। अभी केस लॉस क्या होता है, जो एक्ट लिख के गया वो तो चला गया, अभी कल को कुछ अगर एक्ट के अजम्पशन में या एक्ट को जैसे डिकोड कर रहे हैं उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम आता है, सपोज मैं एक इंसान पूर्वा है या फिर मैं हूँ, अगर मेरे और पूर्वा में कुछ केस होता है कल को जाके, ठीक है, एंड वही एक सेक्शन के ऊपर होता है, बट वो सेक्शन जो लिखा है उसको तूने एक अलग प्रिजम्पशन लिया एंड मैंने एक अलग प्रिजम्पशन लिया, बट अब बोलेगा कौन कौन सही है कौन गलत है। हम कोर्ट के पास जाएंगे, करेक्ट केस कहाँ फाइल करेंगे, कोर्ट में फाइल करेंगे, कोर्ट का जज बोलेंगे कि ये पूर्वा सही है या सेजल सही है या मैं गलत हूँ या जो भी सही है वो चीज़। तो वो जो जजमेंट देंगे उस वो क्या बन जाता है, केस लॉ बन जाता है। तो कल को अगर सेम चीज़ और कोई इंसान के साथ रिपीट होती है तो वो क्या कर सकता है, वो सेम सिचुएशन अगर उसके उनके साथ होती है तो वो हमारा केस लॉ क्या कर सकता है, रेफर कर सकता है कि पूर्वा और सेजल के केस में ये सेम चीज़ें हुई थी और इसमें डिसीजन कोर्ट का पूर्वा की तरफ था या सेजल की तरफ था, तो हम यही चीज़ को वैलिड मानते हुए क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो केस लॉस आर एज रिलेवेंट एज योर पर्टिकुलर एक्ट। तो जब एक्ट बनता है तो एक्ट के एक्ट जितना मानते हैं एक्ट को उतना ही हम क्या मानेंगे, केस लॉस को भी उतना ही मानेंगे। और देन आता है रूल्स। अभी रूल्स कॉमेंट करना बहुत ईजी है, क्यों, उसका भी एक रीज़न है। जो हम देखते हैं हर छः महीने में जब तुम्हारा अटेम्प्ट आता है, अमेंडमेंट आता है, हम क्या बोलते हैं यार नेक्स्ट अटेम्प्ट है, अमेंडमेंट करने पड़ेंगे, बट ये अमेंडमेंट क्या हो रही है, ये एक्ट में अमेंडमेंट नहीं हो रहे, ये क्या हो रहे हैं, रूल्स अमेंड हो रहे हैं। एक्ट तो बन गया, एक्ट को अमेंड करने के लिए अगेन पार्लियामेंट का वो पूरा प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है, इसलिए वो डिफिकल्ट हो जाता है। बट हर छः महीने में क्या हो रहा है, रूल्स अमेंड हो रहे हैं, विच इज़ वेरी इजी, बिकॉज रूल्स अमेंड करने में अपोजिशन पार्टी का रोल नहीं होता है, अपोजिशन पार्टी की अप्रूवल नहीं लगती है। इस रूल्स अमेंड करने में क्या होता है, सिर्फ रूलिंग पार्टी का ही जजमेंट लगता है, रूलिंग पार्टी के ही सब डिसीजंस फाइनल होते हैं। तो रूलिंग पार्टी जब बोलेगी ये चेंज करना है तो वो फर्स्ट चेंज हो जाएगा। जैसे GST एक्ट जब आया तब दोनों सभा का अप्रूवल लगा होगा, बट जैसे GST में अमेंडमेंट आते हैं, लॉ में अमेंडमेंट आते हैं, ये GST के एक्ट में अमेंडमेंट नहीं आ रहे, GST के एक्ट के रूल्स में अमेंडमेंट आ रहे हैं, इसलिए ये हर महीने में जैसे मन होता है वैसे अमेंडमेंट्स आ जाते हैं, ठीक है। तो रूल्स कॉमेंट करना इज़ वेरी इजी, बट एक्ट कॉमेंट करना इज़ वेरी डिफिकल्ट। एक्ट में क्या आता है, सेक्शन आता है, सब सेक्शन आते हैं, क्लॉजेस आते हैं, सब क्लॉजेस आते हैं। अब मैं जब बोल रही हूँ कि सेक्शन, सबसेक्शन, क्लॉजेस एंड सब क्लॉजेस, तो डेफिनेशन का सेक्शन इज
सेक्शन टू, उसमें मैं बोलूँ अगर 1, 3, A ऐसा कुछ. सो दिस इज सेक्शन, मेन सेक्शन, दिस इज सब सेक्शन, दिस इज क्लॉज एंड दिस इज योर सब क्लॉज. बस ए इधर 3 आ गया या 2 आ गया वैसा. सो दिस इज सेक्शन प्लस सब सेक्शन प्लस क्लॉजेस प्लस सब क्लॉजेस मेक्स योर लॉ इज इक्वल टू एक्ट प्लस रूल्स प्लस केस लॉस. एंड एक्ट इज इक्वल टू सेक्शन प्लस सब सेक्शन प्लस क्लियर? यस, वेरी वेरी क्लियर. अब ये है मेरा लॉ. क्या है लॉ? इंक्लूड करता है एक्ट प्लस रूल्स प्लस केस लॉस. एक्ट क्या होता है? इट इज अ टाइप ऑफ लॉ पास्ड बाय द पार्लियामेंट. इट कंप्राइजेस ऑफ सेक्शन सब सेक्शन क्लॉज एंड सब क्लॉज. सो जो भी पार्लियामेंट पास करता है उसको हम क्या बोलते हैं? एक्ट बोलते हैं. रूल्स क्या है? जो एक्ट के साथ कॉम्बिनेशन में आते हैं. yes. किसी के साथ कॉम्प्लीमेंट्री कुछ चीज़ आता है वो चीज़ एक्ट के साथ कॉम्प्लीमेंट्री रूल्स आते हैं साथ. yes. में पढ़ते हैं हम उसको. एक्ट रूल्स के बिना अधूरा है, रूल्स एक्ट के बिना अधूरे हैं. दोनों एक साथ ही चले. ठीक है. इट इज़ अ टाइप ऑफ लॉ मेड बाई सी जी ऑन दोज मैटर्स एज विच आर एज मैंशन ऑन मे बी प्रिस्क्राइब बाय द रूल्स एज मे बी प्रिस्क्राइब बाय रूल्स. एक्ट में जहाँ जहाँ पर भी लिखा है एज मे प्रिस्क्राइब बाय रूल्स एज इट इज, तो उस वो चीज़ कैसी है? एज इट इज़ रूल्स में जाकर तुमको पढ़नी पड़ेगी. केस लॉज क्या होते हैं? समटाइम्स एन ऑथराइज बॉडी अप्लाइज द प्रोविजन एंड पासिस द ऑर्डर सच जुडिशियल डिसीजन फॉर्म अ पार्ट ऑफ लॉ. तो ये जैसे मैंने बोला कोर्ट जाके डिसाइड करेगा, तो एक जज जो ऑर्डर देगा या जो डिसीजन पास करेगा दैट विल बी योर केस लॉ एंड दैट विल बी एज गुड एज योर एक्ट और एज योर लॉ. यस, जो हमने सैलमन वर्सेस सैलमन देखा था, रॉयल टकन बैंक वर्सेस ब्रिटिश देखा. yes. था, वो सब चीज़ें दैट आर केस लॉस. केस लॉज भी उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने एक एक्ट इंपॉर्टेंट है. देन व्हाट आर रेगुलेशंस? रेगुलेशंस आर, इट इज़ अ टाइप ऑफ लॉ पास बाय रेगुलेटरी बॉडी इस्टेब्लिश बाय एन एक्ट. एग्जाम्पल ICI इज अ रेगुलेटरी बॉडी इस्टेब्लिश बाय द ICI एक्ट 1949. अब पार्लियामेंट में ICI भी एक एक्ट है, CA का भी एक एक्ट है, ICI एक्ट 1949 जो बताता है, जो एक्ट में लिखा है कि कोई स्टूडेंट्स के लिए क्या रूल्स अप्लाई होंगे, एक CA इन प्रैक्टिस के लिए क्या रूल्स अप्लाई होंगे, एक CA इन जॉब के लिए क्या रूल्स अप्लाई होंगे, एंड उनको उस हिसाब से एक्ट के हिसाब से ही प्रोसेस करना पड़ता है या फॉलो करना पड़ता है. आज हम भी बैठे हैं, तुम भी, ये एग्जाम फॉर्म ये टाइम तक होगा, वो सब एक्ट में लिखा है, सब रूल्स है. तो ये हम फॉलो करें, हम क्या करें? ICI का एक्ट भी फॉलो करें. बट ये एक्ट भी फॉलो करने के लिए एक्ट बना होगा, वो प्रोसेस गया होगा. ठीक है, वो प्रोसेस तो फॉलो किया होगा उसने, पहले ड्राफ्ट बना होगा, MCA में गया, जो भी प्रोसेस है वो फॉलो हो जाएगा. बट अभी ये एक्ट में भी अगर कुछ अमेंड करना है, सपोज आज रूलिंग पार्टी इज BJP, अगर ये एक्ट में भी अमेंड करना है, इसको रूल्स अमेंड करना है, कुछ चेंजेस लाने, जैसे अभी सिलेबस चेंज हुआ, ये चेंज हुआ रहेगा, रूल्स अमेंड हुआ रहेगा, सिलेबस अमेंड हुआ, ये चीज़ को फिर से रूलिंग पार्टी की तरफ से होना चाहिए था ये देखा जाए तो. बट ये लोग क्या बोलते हैं, पार्लियामेंट में जो लोग बैठे, भाई हम उतने होशियार नहीं कि हम आपके हिसाब से, लाइक हमारे पास वो चीज़ नहीं है कि हम ना, हमको उतना नॉलेज है कि हम आपके हिसाब से रूल्स डिज़ाइन कर पाए या वैसा. तो आप एक काम करें, हम वो चीज़ नहीं कर सकते, हम क्या करते हैं, आप ही आपकी एक बॉडी सेट कर लो, आपका एक लीडर सेट कर लो. जैसे ICI की एक बॉडी है, ICI इज़ अ बॉडी, CA एक्ट 1949, बट उसमें ICI क्या है, एक रेगुलेटरी बॉडी है. तो जितने भी रूल्स है ये कौन बनाता है? CA से रिलेटेड ICI बनाता है. एंड फिर वो पार्लियामेंट क्या कर देती है, जो भी राज्यसभा है वो रूलिंग पार्टी, वो उसको सिर्फ साइन कर देती. तो वो लोग क्या बोलते हैं, भाई हम एक बॉडी बना देते हैं, हम उतने नॉलेजेबल नहीं है या हमको वो चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं उतना कि हम क्या बनाए क्या नहीं बनाए. तो आप एक काम कर लीजिए, आप हमको बना के दो, जो आपको ठीक लगता है हम उसको अप्रूव कर देंगे. बट कौन बनाएगा? आप बनाओगे. हाँ. तो वैसे ही CA एक्ट 1949 तो बन गया, बट उस चीज़ से अभी जितने भी आगे के प्रोसेस है वो कौन करता है? ICI करता है. तो ICI क्या है? एक रेगुलेटरी बॉडी है. yes. जो पार्लियामेंट ने इस्टेब्लिश किए है. सो इट इज़ अ टाइप ऑफ लॉ पास बाय रेगुलेटरी बॉडी इस्टेब्लिश बाय एन एक्ट. रेगुलेशंस, जैसे जो भी रेगुलेशंस पास होते हैं कि फाइनल के एग्जाम्स इतने टाइम पर होंगे, वो जो भी रेगुलेशंस है, रूल्स है, वो सब चीज़ है. बायलॉज क्या है? जो रेगुलेटरी बॉडी बनाता है. बायलॉज रेगुलेटरी बॉडीज टू मैनेज देयर ओन अफेयर्स, खुद के अफेयर्स मैनेज करने का. अभी ICI ने कि हमारे हर इंटर के स्टूडेंट को OTT ओरिएंटेशन और ये GNCS कंपलसरी है. yes. या फिर ITT कंपलसरी है. तो ये सब रूल्स है कि खुद का मैनेज करने के लिए. या फिर ICI में भी अलग अलग रूल्स कैसे हैं कि हर एक स्टेट का एक ICI बॉडी है.
करेक्ट, या अरे सिटी में भी एक आईसीआई बॉडी है, तो ये खुद का मैनेज करने के लिए ऐसा. मेन आईसीआई का दिल्ली में, मेन आईसीआई हेड दिल्ली में, बट ये बाकी सब भी अपना अपना मैनेज कर रहे हैं. ठीक है. ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस एक नया वर्ड है. ऑर्डिनेंस आर पास बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया व्हेन देयर इज एन अर्जेंट रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ, बट सच ऑर्डिनेंस आर वैलिड ओनली फॉर अ पीरियड ऑफ 6 वीक्स फ्रॉम द टाइम बोथ द पार्लियामेंट स्टार्ट फंक्शनिंग. ऑर्डिनेंस एक ऐसी चीज है जब सपोज कुछ इमरजेंसी आ जाती है, एंड अगर हमें कुछ उस चीज़ के लिए एक्ट पास करना है या वो पर्टिकुलर इमरजेंसी को कंट्रोल में लाने के लिए कुछ पास करना है, बट अगर वो इमरजेंसी को हम मायने रखते हैं, नज़र में रखते हैं, तो एक्ट पास करने के लिए बहुत टाइम लगता है. जब तक वो एक्ट पास होगा ना, अगर वो प्रोसेस के साथ गए तो वो इमरजेंसी ख़त्म हो जाएगी. करेक्ट. तो इसलिए ये वो लोग होते हैं जो प्रेसिडेंट होता है उसके पास पावर होता है कि जब कोई ऐसी इमरजेंसी की सिचुएशन आती है तब वो क्या कर सकता है, कुछ एक वो अपना वो पावर यूज़ कर सकता है एंड कुछ रेगुलेशन पास कर सकता है, कुछ एक्ट पास कर सकता है जो वो इमरजेंसी के लिए एप्लीकेबल हो जाएगी या वैलिड रहेगी. बट वो ऑर्डिनेंस, उसको क्या बोलेंगे हम, ऑर्डिनेंस बोलते हैं. एंड वो बट वो कितने में वीक्स के लिए एप्लीकेबल होती है, वैलिड होती है 6 वीक्स. अगर 6 वीक्स के बाद भी उसको आपको कंटिन्यू एज अ एक्ट वैलिड फॉर्म में लाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो सेम प्रोसेस के साथ जाना पड़ेगा. कभी कभी जैसे इंदिरा गांधी जी ने कुछ तो बीच में, मतलब बहुत टाइम जब वो प्रेसिडेंट थी, इंदिरा गांधी वॉज अ प्रेसिडेंट राइट, तो उन्होंने कुछ तो इंदिरा गांधी वॉज प्राइम मिनिस्टर, हाँ तो इंदिरा गांधी वॉज अ प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने या कोई तो प्रेसिडेंट था जिन्होंने ये लॉ, ये इसका प्रोविजन का यूज़ किया था. जैसे अभी मोदी जी ने गवर्नमेंट, मोदी जी ने कोविड आया था तो तभी कुछ है, या नोटबंदी का कुछ आया, वो इट वॉज एन इमीडिएट डिसीजन. सो वैसा कुछ होता है तो वो क्या करते हैं ये चीज़, बट दिस आर ऑल प्राइम मिनिस्टर्स, बट ये ऑर्डिनेंस का पावर प्रेसिडेंट के पास होता है. यस ओके. बट वो प्राइम मिनिस्टर ने डिक्लेयर किया होगा, बट वो प्रेसिडेंट ने मे बी हाँ भरी होगी, या कोविड के टाइम पे जैसे इमीडिएट लॉकडाउन था, वो प्राइम मिनिस्टर ने डिक्लेयर किया है, बट प्रेसिडेंट ने वो मेन अप्रूवल प्रेसिडेंट ने लिया होगा ऐसा. सो प्रोसीजर ऑफ लॉ मेकिंग, व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ लॉ मेकिंग, पहले कहाँ जाएगा वो पार्लियामेंट में जाएगा. पार्लियामेंट इज अ लेजिस्लेटिव बॉडी, लॉ मेकर जो लॉ बनाता है. देन इट विल गो टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट क्या है, एग्जीक्यूटिव बॉडी है जो उसको एग्जीक्यूट करती है. एंड देन कोर्ट डायरेक्टली, लास्ट में अगर कुछ डिस्प्यूट्स होते हैं या कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं तो हम किसी का तो डिसीजन मांगने जाते हैं, वो हम कहाँ जाते हैं, कोर्ट के पास जाते हैं. दैट इज अ जुडिशियल बॉडी वो कहते हैं. जैसे आईसीआई केस में आईसीआई इज अ लेजिस्लेटिव बॉडी, आईसीआई के स्टूडेंट्स, आईसीआई के चार्टर्ड अकाउंटेंट मेंबर्स, सीएस, वो सब क्या है, एग्जीक्यूटिव बॉडी है. और अगेन हमको कुछ प्रॉब्लम होती है हम कोर्ट के पास भी जा सकते हैं, हम आईसीआई के पास ही जाते हैं फिर से, तो अगेन आईसीआई का जो मेन कोर्ट वगैरह रहेगा जहाँ पे जो डिसीजन देंगे वो बॉडी क्या हो जाएगी, जुडिशियल बॉडी हो जाएगी. क्लियर. कल से हम स्टार्ट करेंगे एलएलपी. सो दिस इज ऑल फॉर टुडे. बाय बाय. जो भी कुछ डाउट्स है, कमेंट्स है, कुछ करना है तो कमेंट में लिख लीजिए. देन हो गया ना, हो गया, हो गया, 28 सेकेंड, 28 मिनट.